हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में हम लोग पीसीएस 2022 नोटिफिकेशन के बारे में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीसीएस 2022 का नोटिफिकेशन बहुत ही जल्द निकालने जा रहा है। इस संबंध में आपके जो भी कन्फ्यूज़न है, जो भी सवाल हैं, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। काफ़ी समय से पीसीएस 2022 विज्ञापन का इंतज़ार हो रहा है। जनवरी से ही विज्ञापन आने की खबरें हैं, लेकिन जनवरी फरवरी बीत गया, विज्ञापन नहीं आया। लेकिन अब फाइनली खबर आ रही है कि मार्च में बहुत ही जल्द और जो अगला सप्ताह शुरू होने जा रहा है, इसी में ही नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। उम्मीदें तो हैं कि इस बार आपका विज्ञापन आ जाएगा और इसमें लगभग 300 पद होने वाले हैं। 300 प्लस पदों पर विज्ञापन जारी होगा। पीसीएस में जो टॉप क्लास के पद होते हैं वो होते हैं, और सभी छात्रों का एक सपना होता है कि इस एग्जाम को पास करके यहाँ पर एक नौकरी ले पाए। अभी तक जो जानकारी निकल कर आ रही है उसके अकॉर्डिंग एसडीएम के 39 पदों का अधियाचन मिल गया है, वहीं पर डिप्टी एसपी के 93 पदों का अधियाचन मिला हुआ है, और भी बहुत सारे पद इसमें होते हैं, और टोटल 300 प्लस पदों पर विज्ञापन निकलने की सूचना है। और इसमें बाद में पदों की संख्या और भी बढ़ जाती है, जब तक कि प्री एग्जाम वगैरह ना हो जाए इसमें बाद में भी पद जुड़ जाते हैं। तो कौन कौन फॉर्म भर सकता है, कौन कौन एलिजिबल है, आयु की सीमा क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सारी चीजें मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आयु सीमा की। तो 21 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट है, और अपर एज लिमिट में जो यूपी के छात्र हैं उनको छूट भी मिल जाती है। कैटेगरी वाइज जो एज में रिलैक्सेशन होता है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस का भी आरक्षण इसमें भी अब मिलने लगा है। योग्यता की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों बहुत सारे अलग अलग पद होते हैं और उनकी योग्यताएं अलग अलग होती हैं। जैसे कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं, और कुछ पदों के लिए पीजी मांगा जाता है, कुछ पोस्ट के लिए एमबीए मांगा जाता है, कहीं पर ग्रेजुएशन में लॉ मांगा जाता है। जिस प्रकार का वो पोस्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग योग्यताएं होती हैं। ग्रेजुएशन जो है वो साइंस फील्ड में कुछ पद के लिए मांगा जाता है। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा मैं आपको एक एक पोस्ट की एलिजिबिलिटी बता दूंगा। फिलहाल जो मेन चीजें हैं मैं यहां पर डिस्कस कर दे रहा हूं। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसमें दोस्तों आपका पहले प्री एग्जाम होगा, फिर मेंस होगा, और फिर लास्ट में जाकर इंटरव्यू होगा। तो सभी स्टेप्स इसमें आते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों पीसीएस प्री का जो एग्जाम होना है उस एग्जाम डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। 12 जून को एग्जाम आपका होगा इसी साल, और एग्जाम कैलेंडर में इसे बता दिया गया है। तो एग्जाम पैटर्न जैसा कि मैंने आपको बताया, प्री मेंस और इंटरव्यू होगा। प्री में आपके दो पेपर होंगे, एक पेपर होगा जीएस का, एक पेपर होगा सीसैट का। सीसैट आपको सिर्फ पास करना होता है, 33% नंबर उसमें ला देंगे तो आप सीसैट पेपर पास हो जाएंगे। 100 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे, 200 नंबरों का ये पेपर होगा। और प्री में जो जीएस पेपर होगा उसमें 150 सवाल होंगे, 200 नंबरों का ये पेपर होगा। कट ऑफ आपके जीएस पेपर से बनेगा, सीसैट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। तो जितने भी पदों पर भर्ती होगी उसके 13 गुना अभ्यर्थियों को मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। 13 टाइम स्टूडेंट को क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। प्री के जीएस पेपर से मेरिट बन जाएगी और फिर ये अभ्यर्थी मेंस की परीक्षा लिखेंगे। मेंस यानी जो मुख्य परीक्षा है पीसीएस का, वो होता है टोटल 1500 नंबर का। ये भी आप थोड़ा समझ लीजिए कि क्या क्या विषय इसमें पूछे जाएंगे, कितने कितने नंबरों के। तो 150 नंबर का तो इसमें ऐसे आएगा, निबंध आएगा 150 नंबर की, इसमें हिंदी पूछी जाएगी, और चार पेपर होता है जीएस का 200 नंबर के। तो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4, तो चार पेपर ये हो गए 800 नंबर का, और 300 नंबर में आपका एसे और आपकी हिंदी हो गई। तो 8 और 3 1100, बच गए 400 नंबर, और ये 400 नंबर जो है ये इसका ऑप्शनल पेपर होता है। इसमें अब आप चुनेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शनल आपको लेना है, उसका 400 नंबरों का पेपर होगा। तो टोटल यहाँ पर हो गया 1500 नंबरों का मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू होना है। 2 गुना अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होता है 100 नंबर का, और जो फाइनल मेरिट बनेगी उसमें मेंस और इंटरव्यू यानी 15 और 100, 1600 नंबरों पर आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी। प्री के नंबर को फाइनल मेरिट में नहीं जोड़ा जाता है। ये हो गया दोस्तों पीसीएस 2022 का पूरा जानकारी, एलिजिबिलिटी एग्जाम पैटर्न, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा आपके कोई भी सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, आपके सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।